नमस्कार दर्शक मित्रों, हूँ जितेंद्र रानेरा ने जितेंद्र रानेरा व्लॉग्स में आप सबनों हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। दर्शक मित्रों, आज आप गया जे गीर सोमनाथ जिला गिरगढ़ा तालुको है, गिरगढ़ा तालुकाना जामवाड़ा गाम में आज आप बात करवी छे एक एवं ऋषि ने, एक एवी जे पौराणिक जे प्राचीन कथा जे जमदग्नि ऋषि साथ जोड़ेली है कि जेमने एमना पुत्रना हस्तक एमनी मातानुं एटले के जमदग्नि ऋषिना धर्मपत्नीनुं मस्तक धरती अलग करावेलू एवो इतिहास धरावती आ जगह अने जे परशुरामना पिताश्री छे एनो आश्रम एटले जमदग्नि आश्रम जे जामवाड़ा गामनी अंदर आवेलो छे। तो दर्शक मित्रों, आपणे ए जग्याने मुलाकात जे जमदग्नि ऋषिनो आश्रम छे अने आश्रम ने बाजू में ज एक जे समाधि स्थल छे, जमदग्नि ऋषिनो जे समाधि स्थल छे एने आपणे पवित्र ने पावन दर्शन करी रह्या छे। दर्शक मित्रों, आप जोई रह्या छो कि आ पवित्र ए जग्या ए समाधि स्थल कहेवाय छे जमदग्नि ऋषिनो, एना आपणे पवित्र ने पावन दर्शन करी रह्या छे। जे जमदग्नि ऋषि हता एटले ए सप्त ऋषि में एक ऋषि कहेवाता के जे अत्यंत शांत स्वभावना अने एक तेजस्वी ऋषि हता। पहेलाना समय में जे ऋषि मुनिओ छे ए तप करी अने देवी देवताओं पासेथी जे वरदान प्राप्त करता, ए वरदान मुजब जे जमदग्नि ऋषि छे एमणे सूर्यदेवनी तपस्या करीने सूर्यदेव पासेथी जे वाणीनुं सामर्थ्य छे ए प्राप्त कर्युं हतुं अने इंद्रदेवनुं तप करीने इंद्रदेव पासेथी कामधेनु मेळवी हती। एवा तेजस्वी जे ऋषि कहेवाय छे कि जे परशुराम भगवान परशुरामना पिताजी एवा जमदग्नि ऋषि, एमनो इतिहास आ जग्या साथे जोड़ायेलो छे। आपणे ए जग्याना दर्शन करवा माटे जई रह्या छीए કે જ્યાં એ જગ્યા ઉપર જે પરશુરામના માતા અને જમદગ્નિ ઋષિના જે ધર્મપત્ની રેણુકામાં એમની ગુફા આવેલી છે, જમદગ્નેશ્વર મહાદેવનું એક મંદિર પણ આવેલું છે એવું આ પવિત્ર અને પાવન ધામ। દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો કે મારી પાછળ આ જે જગ્યા છે, હવે આપણે દર્શન કરશું એ મહાદેવના જે મંદિરનું અને જે મહાદેવનું નામ જમદગ્નેશ્વર મહાદેવ છે, ચરણ પાદુકા ભગવાનની, અને જે આ ગુફા આપ જોઈ રહ્યા છો કહેવાય છે કે રેણુકા માતા અને જે આ જમદગ્નિ ઋષિ જે આ ગુફાની અંદર જગ્યા ઉપર તપ કરતા એ જગ્યા પવિત્ર અને પાવન ભૂમિ આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ અતિ જે પૌરાણિક કહેવાય છે પૌરાણિક જગ્યા અને આ ગુફાની ઉપર બધું બનાવેલું છે આપ જોઈ રહ્યા છો। આ પણ એક गुफा है ज्या अत्यारे आ जे जगह है त्या जंगली जानवरों खूबज भय होवाथी अहीं जे आ जगह गुफा है एमनी अंदर क्यारेक क्यारेक दीपड़ाओ अने सिंहों पण अंदर आवीने एमनो आवास बनावता होय छे। एटले अमुक जे जगह है गुफा ए गुफा से बंद करवामां आवी छे। आप जोई रह्या छो कि आ बधी जे जगह छे अने हवे आपणे એ ધૂણાના દર્શન કરી રહ્યા છીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો કે આ જમદગ્ન ઋષિનો જે ધૂણો છે એમને પવિત્ર અને પાવન દર્શન આપણે કરી રહ્યા છીએ। ભગવાન પરશુરામનું જ્યાં બાળપણ જે જગ્યાએ ભગવાન પરશુરામ મોટા થયા, જે એમને બાળપણ ગુજાર્યું, જે જગ્યાએ દીક્ષા લીધી, આપણે જીતેન્દ્ર રાનેરા વ્લોગ્સ યુટ્યુબ ચેનલના માધ્યમથી જે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના ગીરગઢડા તાલુકાના જામવાડા ગામની અંદર આવેલ જે જગવિખ્યાત જમજીર ધોધ છે અને બીજું એક કે જમદગ્નિ ઋષિનો આશ્રમ છે, અતિ પૌરાણિક, આશરે 5,500 વર્ષથી પણ વધારે સમયથી આ જગ્યા ઉપર જ્યાં કહેવાય છે કે ભગવાન પરશુરામના પિતાશ્રીનો જે આશ્રમ છે, ભગવાન પરશુરામ જે જગ્યા ઉપર મોટા થયા અને દીક્ષા લીધી, અને આ ઐતિહાસિક અને અતિ પૌરાણિક જગ્યાના આજે આપણે આ ચેનલના માધ્યમથી પવિત્ર અને પાવન દર્શન કરી રહ્યા છીએ। તો દર્શક મિત્રો, આપણે થોડી જ વારમાં આ જે જગ્યાના મહંતશ્રી છે એમની પાસેથી આ જગ્યા વિશે અને આ આશ્રમ વિશે જાણીશું, તો ત્યાં સુધી અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો। હરિઓમ, મેરા નામ હરિદાસ બાપુ હૈ और से मैं यहाँ 2001 से सेवा पूजा और से यहाँ की देख रेख करूँ सूँ। मेरे गुरु दर्शनदास जी महाराज थे, उनका 2014 में स्वर्गवास हो गया है।
और से ये मछुन ये नदी जो सिंगोड़ा नदी है, सिंगोड़ा नदी के किनारे जमदग्नि आश्रम है। ये परशुराम के पिताजी यहाँ रहते थे, जमदग्नि ऋषि। वो सप्त ऋषियों में एक ऋषि थे, प्रथम ऋषि, और बड़े सिद्धांतवादी थे। किसी को मारना नहीं, वो डांटना नहीं, इस प्रकार के उनके आचार विचार थे। और ऋषियों में महान थे वो। उनके पास एक कामधेनु गाय थी और रेणुका माता ने गुफा छे यहाँ नीचे उनकी करी हुई, जमदग्नि ऋषि की करी हुई स्थापना है महादेव की, जमदग्नेश्वर महादेव। पहले वो गुफा में थे, वहीं वो तपस्या करा करते थे। अभी उसका थोड़ा सा मंदिर का आकार दिया है, उसका नाम पड़ा जमदग्नेश्वर महादेव। और ये जमदग्नि आश्रम उनके रहने का स्थान था। फिर यहाँ परशुराम जी का लालन पालन हुआ है, फिर परशुराम जी यहाँ से दीक्षा ली है, फिर आगे वो बड़े थे। उनका स्थान है ये सिंगोड़ा नदी के किनारे जमदग्नि आश्रम। यहाँ पे गौशाला है मेरे पास, थोड़ी बहुत ज़मीन है, और यहाँ राम रोटी खिलाता हूँ, सेवा करता हूँ लोगों की। सातम आठम, दिवाली, होली ऐसी छुट्टी में यहाँ नदी में धोत को देखने के लिए लोग, वो नहाने के लिए बहुत पब्लिक आती है, असंख्य पब्लिक होती है। त्यारे मेला जब उठाए छे यहाँ, और शनि रवि में भी बहुत ट्रैफिक थाए छे यहाँ। लोग आए से भगवान ने दर्शन करे छे, नदी ने जो धोत ने निहारे छे। नहीं, बहुत शांत, बहुत शांत थे। उनके पुत्र क्रोधी थे, वो बड़े शांत थे, वो अहिंसावादी संत थे। उन सप्त ऋषियों में एक ऐसे यही ऋषि थे जो अहिंसावादी, मतलब कोई अपन को कुछ बोल जाओ तो उसको कुछ बोलो नहीं, अहिंसावादी संत थे। हाँ, पिताजी, हाँ कापा था उन्होंने। हाँ, ये साँची बात है, यहीं उनकी गुफा छे, और यहीं उनके पिता के कहने पर परशुराम ने उनके मातानों से घर से अलग किया था। उनको पता था परशुराम जी महाराज को कि हमारे पिताजी इतने तेजस्वी हैं, पाछे जोड़ देंगे जी। वो सप्त ऋषियों में एक ऋषि हैं, मतलब देवता के तुल्य हैं वो सप्त ऋषि अतेजो, और अहिंसावादी उनका जीवन था। तब बाद में जब वो सहस्त्र अर्जुन ने उनकी गाय चुरा ली, उनको मार दिया, तब उनने परशुराम को कहा कि तू सही है। कहाँ सुधी उनने अपने मुंह से ये नहीं कहा कि भाई तू, उसको गलती ही कहते थे परशुराम जी को कि बेटा तुम क्रोध करते हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने जब बताया कि ये गलत है, तभी ये सब हुआ। त्रेता, हाँ, रामा अवतार के पहले का ये आश्रम है, पहले तब से चला आ रहा है। कोई ना कोई संत हैं, मेरे गुरु जी थे, फिर मेरे दादा गुरु थे, उससे पता तो मेरे को भी पता नहीं है कि कौन थे, पर दादा गुरु थे, ऐसा चला आ रहा बरसों से। नीचे क्या क्या है? महादेव जी नो मंदिर छे, उनकी करी हुई स्थापना है पर जमदग्नि ऋषि की, और से गुफा है रेणुका माता नी। अभी तो उसमें दीपड़ा ने वधू रहने लगे थे, इसलिए बड़ी बड़ी गुफाएं थी तो वो धीरे धीरे बंद कर दी गई हैं, क्योंकि जानवर का यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए वो गुफाओं ने बंद कर दी थी। ये परशुराम का आश्रम है, और मैं यहाँ सेवा पूजा करूँ सूँ, उनकी कृपा से खुश हूँ। हम मज़ा है अपनी भगवान की कृपा से कि पूजा सेवा करने का अवसर मिला अपन ने। वही आश्रम में देख रेख करूँ सूँ। एक आश्रम और मेरा बाणज है जंगल में जी, वहाँ भी मैं ही जाता हूँ, वहाँ भी देख रेख मैं ही करता हूँ, वहाँ का भी महंत हूँ ही छूँ, यहाँ नो छूँ, दो आश्रम की देख रेख करूँ सूँ। तो हूँ आप सब दर्शक मित्रों ने एक भावभरी आमंत्रण आपू छूँ कि आप जारे पण गीर सोमनाथ आओ त्यारे जामवाड़ा आओ, तो जामवाड़ा जे जमजीर धोध छे एमनी बाजूमां ज आ जमदग्नि ऋषिनो आश्रम आवेलो छे, भगवान परशुरामनुं बाळपणनो जे जगह छे ए आवेली छे। तो आप अवश्य आ जगहनी मुलाकात लई अने एमना पवित्र ने पावन दर्शन करजो, एवी आप सौने हूँ जाहेर आमंत्रण आपूँ छूँ। अने हवे पछीना एपिसोडमां पण आवी ज कोई सरस मजानी अति पौराणिक जगह, प्राचीन जगह अने ऐतिहासिक जगहनी मुलाकात लईने एमना भव्य इतिहास विशे आप सौने जणावता रहेशुं। त्यां सुधी मने रजा आपशो। जय हिंद, जय ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત, હર હર મહાદેવ, હર